नमस्कार दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे कल का दिन कैसा गया था और आज का ट्रेड प्लान कि किस तरह से आज ट्रेड किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। मैं और मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे। इस पर ट्रेड करने की सलाह या कोई ट्रेड रेकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। आपका कोई भी ट्रेड का ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर सलाह मशवरा करें और मैं और मेरा चैनल इसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी लास्ट क्लोज 13,932 और देखिए एक रेड कैंडल के बाद जिस तरह से उस रेड कैंडल के हाई को भी तोड़ चुका है, वापस स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है। तो इस तरह की रैली में पॉसिबल आज भी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो इस पे आप ट्रेड कैसे करें? मुझे लगता है कि जब भी गैप अप ओपनिंग आती है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट जरूर करना चाहिए और निफ्टी अपना एक अच्छा स्ट्रांग बेस बना के जा रहा। तो अभी आप देख सकते हैं कि 13,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है अभी और 13,932 पे मार्केट खड़ा है। तो 13,800 एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट के पास अगर धीरे धीरे आए तो वहां से एक बाइंग बनता है। तो और एक बहुत बड़ा मुझे उम्मीद है कि एक ईयर एंड एक्सपायरी है और 2 दिनों के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव आज एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा होता है मार्केट। चलिए बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। एक रेड कैंडल के बाद बहुत स्ट्रांग अप मूव आया है और बैंक निफ्टी एक्चुअली एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। 31,322 ये जो है उसका एक रेसिस्टेंस लेवल है और बंद भी कहीं आसपास वहीं हुआ था। कल एक साइडवेज एक्शन था, गैप अप ओपनिंग के बाद एक साइडवेज एक्शन एक ही जगह पे ही ट्रेड हो रहा था। तो अब इसमें देखना है कि ये इसको अच्छे से तोड़ पाता है कि नहीं। मुझे पॉसिबल यहाँ इसके आसपास एक 100-200 पॉइंट 31,500 के आसपास से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या इसी रेंज में दायरे में रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में मुझे बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, इवन निफ्टी में भी, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दोनों में आए। तो पर्सनली कोई ट्रेड प्लान अगर पूछा जाए तो या तो आप निफ्टी को सपोर्ट में खरीद सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा रेंज में है, बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रही है। मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में थोड़ा ट्रेड्स मुश्किल है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ही किया कीजिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो फ्री फ्री है, पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें मैं स्टॉक्स के कुछ आइडियाज देता हूँ जिससे आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। कल मैंने बैंक निफ्टी के स्टॉक्स दिया था, इंडसइंड बैंक, SBI और कोटक बैंक, और इन तीनों में अच्छी खासी हलचल दिखाई दी थी। तो आप बाय ऑन डिप्स इन स्टॉक्स में किया जा सकता है। इंडेक्स ऑप्शंस में अभी ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है इस लेवल पर। तो आज के लिए सन फार्मा और एस्कॉर्ट्स पे नजर बना के रखिए और इसमें एक अच्छी मूवमेंट आने की अच्छी चांसेस है, और सॉरी आइसर मोटर्स भी। तो ये था मेरा व्यू। इंडेक्स में बेसिकली स्ट्रांग अप मूव अभी भी इंटैक्ट है। अगला अगला जो लेवल है निफ्टी के लिए हो सकता है 14,000 का लेवल, सब देख रहे हैं 14,000, 14,100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है 14,000। लेकिन इंडेक्स में अभी इस समय कोई ट्रेड का रिकमेंडेशन करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऊपर के लेवल से आप सेल करो। ऐसा कोई मार्केट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि हम सेलिंग में बैठ जाए, और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड में शॉर्ट्स एक्टिव ज्यादा होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि शॉर्ट साइड में आपका पैसा बने। तो ये था मेरा ट्रेड प्लान। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टिल इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं स्टॉक आइडियाज देता रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।